लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। परियोजनाओं का अवलोकन, मीटिंग और उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों से कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। बाबा विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद भारत सेवा श्रम संघ सिगरा भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम के अंतिम चरण के निर्माण कार्य को भी देखेंगे, वहीं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, जहां आज वाराणसी पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये पूरा शेड्यूल आज का सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और सीएम के आगमन को लेकर देखिए पहले से ही वाराणसी में तैयारियां कर ली गई हैं। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लिया और आज देखिए वाराणसी के दौरे पर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमसे जुड़ चुके हैं। विनीत, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आज कार्यक्रम है वाराणसी में रहने वाला है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय काशी दौरा आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम लगभग 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में वाराणसी के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सिगरा जाएंगे, जहां पर भारत सेवा आश्रम संघ का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्टेडियम का जो अंतिम चरण में जो कार्य चल रहा है उसको परखने के लिए सिगरा स्टेडियम जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और ककरमत्ता में गेमिंग जोन जो बन रहा है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विकास कार्यों को लेकर के जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। विनीत, सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच ही रहे हैं, आपने पूरा शेड्यूल बता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे और किस तरह की तैयारियां कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, इसके अलावा रविंदर जायसवाल जो कैंट विधानसभा के जो विधायक हैं, सौरभ श्रीवास्तव, तमाम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि भारत सेवा आश्रम में जो कार्यक्रम निर्धारित है वो कैंट विधानसभा के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं वो मौजूद रहेंगे, वहाँ पर महिलाओं को जो है सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रस्तावित दौरा है। तो जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए मुख्य सचिव का नाम लेकर महिला आयोग सदस्य से जाति पूछी गई। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य को अनजान नंबर से कॉल की गई है और कहा जा रहा है कि कभी मुख्य सचिव तो कभी डीएम।